अब मैं आप लोग को इस बाइक के कंफर्ट के बारे में बताना चाहूंगा। तो ये जो बाइक है काफी कंफर्टेबल है, अगर आप इसे हाईवे पे लेके जाते हैं या सिटी पे ट्रैफिक में चलाएंगे तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, काफी अच्छा ये हैंडल होता है। यहाँ पे जो आपको सीट दिया गया है ये स्प्लिट सीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइडर के लिए अलग, पिलियन के लिए अलग सीट मिलता है, और ये दोनों की जो चौड़ाई आप देख पा रहे होंगे अच्छी चौड़ाई आप लोग को मिल जाती है। सेम टाइम पे कुशन जो है वो भी काफी अच्छा है। तो अगर आप इस बाइक को लेकर थोड़ा लॉन्ग राइड पे जाना चाहेंगे, इस बाइक को थोड़ा ज्यादा किलोमीटर में चलाना चाहेंगे तो आप डेफिनेटली चला सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, काफी अच्छा आप लोग को कंफर्ट देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके सैडल हाइट की बात करूँ तो वो 795 mm का है, तो आप देख सकते हैं इसमें बैठना काफी आसान है। मेरी जो हाइट है वो 511 है, अगर मेरे हाइट से कोई कम हाइट का भी बंदा है तो भी आराम से इसमें बैठ पाएगा। हैंडल बार की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव सेट नहीं किया गया है, हल्का सा अग्रेसिव सेट किया गया है। मैं बहुत हल्का सा यहाँ पे लीन हो रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मुझे ऐसे झुक के इस बाइक को चलाना पड़ रहा है, आप देख पा रहे होंगे काफी एक कंफर्टेबल साइड पे है। तो अगर मैं इसकी हैंडलिंग की बात करूँ तो काफी अच्छी हैंडलिंग मुझे यहाँ पे मिल जाती है, हाईवे में भी काफी अच्छी हैंडलिंग हो जाती है, सिटी ट्रैफिक में भी मुझे इसे चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, और ये काफी अच्छा हैंडल बार है। तो इसे मुझे फ्लिक करने में, इस बाइक को अगर मैं फ्लिक करता हूँ, थोड़ा सा जिगजैग करता हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी मेरे से कंट्रोल से बाहर हो जाएगी या गाड़ी मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काफी अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। तो हैंडलिंग भी इस बाइक की काफी अच्छी है। यहाँ पे जो फुट रेस्ट मिलता है ये भी काफी अच्छी जगह पे पोजीशन किया गया है, मुझे बहुत ज्यादा अपने पैर को पीछे करने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इसे कंफर्ट की बात करूँ तो काफी कंफर्टेबल ये बाइक है, आप आराम से इसे लंबा चला पाएंगे। कंफर्टेबल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जो सस्पेंशन मिलता है वो भी काफी अच्छा है। फ्रंट में जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है ये 37 mm का सस्पेंशन है, और बैक में जो आप लोग को सस्पेंशन मिलता है वो एक मोनो सस्पेंशन है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है, हालांकि इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन सेम टाइम पे ये बहुत ज़्यादा स्टेबल लगेगा आपको जब आप इसमें हाई स्पीड करेंगे। अगर आप इसे थोड़ा सा खराब रास्ते में ले जाते हैं तो ये आपको हल्का सा ही झटका महसूस कराएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, ये आपको टॉस करने लग जाता है, आपको उछालने लग जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे खराब रास्ते में भी चलाते हैं तो काफ़ी अच्छा आप लोग को सस्पेंशन मिल जाएगा, एक कुशनी राइड आप लोग को प्रोवाइड कर देता है, और सेम टाइम पर ये स्टेबल भी रहता है। सस्पेंशन अच्छा होने के कारण हाई स्पीड में भी मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है, जिगजैग अगर मैं इस बाइक को करता हूँ तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये काफ़ी स्टेबल रहता है। और अगर मैं इसके ब्रेकिंग की बात करूं तो वो भी काफी अच्छा है, यहाँ पे आप लोग को डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिल जाता है। जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है यहाँ पे आप लोग को 300 mm का मिलता है, आप देख सकते हैं काफी बड़ा आप लोग को डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। इसकी जो स्टॉपिंग पावर है वो बहुत ही प्यारी है, और बैक में आप लोग को जो यहाँ पे सेटअप दिया गया है डिस्क ब्रेक का, यहाँ पे ये 230 mm का है, और यहाँ पे भी सेम आप लोग को ABS मिल जाता है क्योंकि इस बाइक में आप लोग को डुअल चैनल ABS का सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पे सेफ्टी को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की गई है। इसके ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैं आप लोग को ये वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं अगर मैं इसे अच्छे खासे स्पीड में भी ब्रेक करता हूँ तो ये जो बाइक है बिल्कुल भी स्किड नहीं होती है, ये रास्ता को छोड़ती नहीं है, मतलब रोड को लेन को छोड़ती नहीं है, बिल्कुल एक जगह पे स्टॉप होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो स्टॉपिंग पावर है बहुत अच्छी है, तो इसमें आप लोग को ब्रेकिंग में भी कोई भी दिक्कत नहीं होता। यहाँ पे आप लोग को अंडर बेली एग्जॉस्ट दिया गया है, मैं आप लोग को एक बार दिखाना चाहूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को अंडर बेली एग्जॉस्ट दिया गया है, कोई भी एग्जॉस्ट यहाँ से बाहर निकला हुआ नहीं है, तो इस बाइक को बहुत ही स्पोर्टी बनाता है। यहाँ पे अंडर बेली एग्जॉस्ट होने के बावजूद इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफी अच्छा है, यहाँ पे आप लोग को 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो ये जो बाइक है अगर आप इसे खराब रास्ते में ले जाते हैं, कोई पॉट होल आ जाता है तो भी कहीं भी नीचे में टच नहीं होती है, आराम से ये निकल जाती है और बहुत अच्छी राइड क्वालिटी आप लोग को प्रोवाइड करती है। तो अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो कहीं से कहीं तक आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये जो बाइक है बहुत कंफर्टेबल है और काफ़ी अच्छी बाइक आप लोग को मिल जाती है N160 के हिसाब से।